Hello everyone, today we are continuing our chapter directing and your next topic is communication. So communication plays key role in the success of a manager. How much professional knowledge and intelligence a manager possesses becomes immaterial if he is not able to communicate effectively with his subordinates and create understanding in them. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर हम मैनेजर की बात करें, वो इंटेलिजेंट है, प्रोफेशनल है अपने काम में, लेकिन उसको कम्युनिकेट नहीं आता करना इफ़ेक्टिवली अपने सबॉर्डिनेट्स या वर्कर्स के साथ, तो सारी चीज़ें क्या है, वो बेकार जाएंगी बिकॉज वो उनको समझा नहीं पा रहा है. तो कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. सो नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. सो फर्स्ट इज सेंडर. हमें पता है कि सेंडर मीन्स पर्सन हु कन्वेज हिज थॉट्स और आइडियाज टू द रिसीवर. सेंडर कौन होता है? जो मैसेज पहुंचाना चाहता है उसको हम सेंडर कहते हैं, जो अपने थॉट्स और आइडियाज को रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है. सेकेंड है आपका, दैट इज मैसेज. इट इज़ द कंटेंट ऑफ आइडियाज़, फीलिंग्स, सजेशंस, ऑर्डर्स एक्सेट्रा. तो मैसेज क्या होता है कि जो आइडियाज़ हैं हमारे, सजेशंस हैं, ऑर्डर्स हैं, ओपिनियंस हैं, उसको हम मैसेज कहते हैं. थर्ड है आपका इनकोडिंग. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स सच एज वर्ड्स, पिक्चर्स, जेस्चर एक्सेट्रा. तो जितना भी मैसेज है, चाहे वो आपका आइडियाज़ है, फीलिंग्स है, उसको आप किस वे में पुट करते हो उसको हम इनकोडिंग कहते हैं. ठीक है, वर्ड्स में करते हो या पिक्चर्स में या जेस्चर्स के थ्रू, उसको हम इनकोडिंग कहते हैं. फोर्थ है आपका मीडिया. इट इज़ द पाथ थ्रू विच इनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू रिसीवर. द चैनल मे बी इन रिटन फॉर्म, फेस टू फेस, फोन कॉल, इंटरनेट एक्सेट्रा. तो मीडिया होता है कि जिसके थ्रू हम मैसेज पहुंचा रहे हैं. तो चाहे तो वो फेस टू फेस हो, चाहे वो हम लेटर में लिख रहे हो, या थ्रू फ़ोन कॉल हो रहा हो, या चाहे वो इंटरनेट यूज़ करके हम उसे ईमेल भेज रहे हैं. तो मीडिया क्या है मैसेज भेजने का, वो कुछ भी हो सकता है. फिफ्थ है डीकोडिंग. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टेड इनकोडेड सिम्बल्स टू द सिम्बल्स ऑफ द सेंडर. डीकोडिंग मतलब जो हमारा मैसेज मिला है हमें, उसे कन्वर्ट करना डीकोडिंग में, या इनकोडेड जो सेंडर ने भेजा है उसे डीकोड करना. रिसीवर द पर्सन हु रिसीव्स कम्युनिकेशन ऑफ द सेंडर. तो रिसीवर कौन होता है? जिसको मैसेज मिल रहा है. नेक्स्ट है फीडबैक. इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्शंस ऑफ रिसीवर इंडिकेटिंग दैट ही हैज़ रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड मैसेज ऑफ सेंडर. फीडबैक मतलब चाहे वो कुछ भी दे रहा हो, चाहे वो थैंक यू बोल रहा हो, चाहे वो बोल रहा हो आई गॉट इट, कोई भी फीडबैक दे रहा हो आफ्टर रिसीविंग द मैसेज. एंड लास्ट है आपका नॉइज. नॉइज मीन्स सम ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस टू कम्युनिकेशन. दिस हिंड्रेंस मे बी कॉज टू सेंडर, मैसेज और रिसीवर. तो नॉइज होता है जिसकी वजह से एक तरीके से हिंडर या प्रॉब्लम क्रिएट होती है मैसेज रिसीव करने में, उसको बोलते हैं नॉइज. नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? तो पहला है आपका एक्ट एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो कम्युनिकेशन एक्ट करता है कोऑर्डिनेट कर सके हम बिटवीन द एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट्स के बीच में जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको हम आराम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अगर हम कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करते हैं. सेकेंड है हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन इंटरप्राइज. कम्युनिकेशन की वजह से हमारा जो वर्किंग इंटरप्राइज में है या ऑर्गेनाइजेशन है बहुत स्मूथली फंक्शन करता है. थर्ड इज़ एक्ट एज अ बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग. ठीक है, अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है तो हम डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजंस लेने में हम लेट नहीं होंगे. एंड अदरवाइज जो कम्युनिकेशन होगा अगर अच्छा तो हम मीनिंगफुल डिसीजंस ले सकेंगे. ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशंस अच्छे से पहुँचेंगे तो हम इंफॉर्मेशन अच्छे से पास आउट कर सकते हैं. फोर्थ है इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी. कम्युनिकेशन की वजह से हमारा क्विक एंड इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस होता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? मैनेजरियल एफिशिएंसी में, क्योंकि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इश्यूज़ हैं, टारगेट्स हैं, ठीक है, एलोकेशन जॉब्स हैं, वो सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम वर्कर्स को समझा सकते हैं और तभी हमारी मैनेजरियल एफिशिएंसी अच्छी
होगी. फिफ्थ है प्रमोट्स कॉपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस. हमारा जो कॉपरेशन है चाहे वो लेबर यूनियन के साथ हो, ठीक है, वो क्या है, बहुत अच्छा रहेगा. हमारा इंडस्ट्रियल पीस, ठीक है, शांति बनी रहेगी वर्कर के साथ. एस्टैब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप. कम्युनिकेशन की वजह से हमने बताया था कि लीडरशिप के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, तो कम्युनिकेशन एक तरीके से लीडरशिप को बढ़ने में हेल्प करता है या कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है. एंड लास्ट इज़ बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड्स मोटिवेशन. अगर कम्युनिकेशन अच्छा है किसी भी मैनेजमेंट में तो वो हेल्प करता है हमारा मोटिवेशन बनाए रखने में. नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द फॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू ऑफिशियल चैनल्स डिसाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लो होता है ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू जो कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में बना रहता है. दिस कम्युनिकेशन में टेक प्लेस बिटवीन अ सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट. ये कम्युनिकेशन होता है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में, अ सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर और अमंग सेम कार्ड्रे एम्प्लॉई और मैनेजर. द कम्युनिकेशन मे बी ओरल और रिटन बट जनरली रिकॉर्डेड एंड फाइल्ड इन द ऑफिस. तो नॉर्मली कम्युनिकेशन ओरल और रिटन होता है, लेकिन नॉर्मली इसको रिकॉर्ड किया जाता है चाहे कोई भी किसी भी टाइप का कोई लीगल कम्युनिकेशन हो रहा हो. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन मे बी फर्दर क्लासिफाइड एज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है. ठीक है, वर्टिकल कम्युनिकेशन फ्लोज वर्टिकली अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स थ्रू फॉर्मल चैनल्स. तो वर्टिकल मतलब आपको पता है कि वो या तो डाउनवर्ड में जाता है या अपवर्ड में. ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल होता है सेम एक लाइन में, ठीक है, सीधी लाइन में. तो उस सीधी लाइन में आप डिपार्टमेंट के हेड से कम्युनिकेट कर सकते हो. हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है. ठीक है, नेक्स्ट सम ऑफ द पॉपुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर प्रेजेंटेड एंड डिस्कस्ड इन गिवन फिगर्स. तो जो आप ये नीचे फिगर्स देख रहे हैं एक्चुअल में ये कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स. ठीक है, तो फर्स्ट है आपका चेन, देन है व्हील, देन है सर्कुलर, देन फ्री फ्लो एंड लास्ट इज इन्वर्टेड वी. तो ये हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है आपका सिंगल चेन. दिस नेटवर्क एग्जिस्ट बिटवीन अ सुपरवाइजर एंड हिज सबॉर्डिनेट्स. सिंस मेनी लेवल्स एग्जिस्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम एवरी सुपीरियर टू हिज सबॉर्डिनेट थ्रू आउट सिंगल चेन. तो आप इस चेन में देख सकते हैं, इस चेन में फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं. तो फर्स्ट सर्कल है एक्चुअल में, वो आप मान लो सुपीरियर, और जो नीचे उसके काम कर रहा है वो है सबॉर्डिनेट. ठीक है, अब हम तीसरे पर्सन के लिए जो सेकंड नंबर वाला है वो सुपीरियर बन जाएगा. ठीक है, और वो खुद क्या बन जाएगा, सबॉर्डिनेट. वैसे ही ये चौथे पर्सन के लिए थर्ड वाला पर्सन क्या बन गया, सुपीरियर, और वो खुद क्या बन गया, सबॉर्डिनेट. मतलब एक तरीके से सुपीरियर इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है अपने सबॉर्डिनेट को. तो ये एक तरीके की चेन बनी हुई है. सेकेंड है आपका व्हील. इन व्हील नेटवर्क ऑल सबॉर्डिनेट्स अंडर वन सुपीरियर कम्युनिकेट थ्रू हिम ओनली एज ही एक्ट्स एज अ हब ऑफ द व्हील. द सबॉर्डिनेट्स आर नॉट अलाउड टू टॉक अमंग देमसेल्व्स. तो अगर हम सेकेंड वाले चैनल में देखें नेटवर्क में, तो व्हील है, यहाँ पे व्हील में एक पर्सन है जो कि सबको इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, और वो एक दूसरे से बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं. आप देखोगे जैसे कि ये सीधी लाइन है, ठीक है, आप बीच में देख सकते हैं सीधी लाइन, वो डायरेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो व्हील है वो एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही उनका सुपीरियर होता है जो कि सारे इन्फॉर्मेशंस पहुँचाता है या ऑर्डर्स पहुँचाता है. थर्ड है आपका सर्कुलर. इन सर्कुलर नेटवर्क द कम्युनिकेशन मूव्स इन अ सर्कल. ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद इट्स एडजॉइनिंग टू पर्सन्स. इन दिस नेटवर्क कम्युनिकेशन फ्लो इज स्लो. ठीक है, सर्कुलर में क्या है, देखो आप एक पर्सन दो लोगों से आराम से इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता है, लेकिन दो से ज़्यादा नहीं. इसकी वजह से ये नेटवर्क बहुत स्लो, सर्कुलर नेटवर्क बहुत स्लो कहलाया जाता है. फोर्थ है फ्री फ्लो. इन दिस नेटवर्क ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विथ अदर फ्रीली. द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज़ फास्ट इन दिस नेटवर्क. फ्री फ्लो में आप देख सकते हो कि एक पर्सन किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है.
ठीक है, एक पर्सन बाकी मेंबर से कम्युनिकेट कर सकता है और इसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। और लास्ट है आपका इन्वर्टेड वी। इन दिस नेटवर्क अ सबॉर्डिनेट इज़ अलाउड टू कम्युनिकेट विथ हिज इमीडिएट सुपीरियर्स एज वेल एज हिज सुपीरियर्स सुपीरियर। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं कि एक पर्सन अपने सुपीरियर से बात कर रहा है, इवन कि वो डायरेक्ट अपने सुपीरियर से भी बात कर सकता है। ठीक है, मतलब सुपीरियर का जो सुपीरियर है, बॉस का जो भी बॉस का जो उसके अपर लेवल का बॉस है, उससे भी वर्कर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड वी। अगर हम बात करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, देन कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सेड टू बी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब जहाँ पे हमारा फ्रेंड सर्कल है, हम उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसको हम इनफॉर्मल बोलेंगे। हम अपने बॉस से बात नहीं कर रहे हैं, बट अपना जो हमारा ग्रुप है, जिसके आइडियाज़ हमें पसंद हैं या जहाँ पे हमारे आइडियाज़ मिलते हैं, हम उस ग्रुप के लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसमें पहला है आपका, दैट इज़ सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क तो इसमें बताया गया है, सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क यहाँ पे दिया गया है लास्ट में, आप देखेंगे। ईच पर्सन कम्युनिकेट्स टू अदर इन सीक्वेंस। ठीक है, इन एक तरीके से सीक्वेंस में आप देखोगे, जो सबसे पहला जिसमें क्रॉस बना हुआ है, वो बाकियों को सीक्वेंस वाइज एक एक पर्सन को वो बता रहा है, जिससे वो ज़्यादा अटैच है वो उससे कम्युनिकेट कर रहा है। वो पर्सन जिससे अटैच होगा या जिससे उसको ज़्यादा अटैचमेंट होगी, उससे वो कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये एक सीक्वेंस वाइज है। सेकेंड वाले में देखेंगे, इन गॉसिप नेटवर्क ईच पर्सन कम्युनिकेट्स विद ऑल ऑन नॉन सेलेक्टिव बेसिस। एक पर्सन बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है, लेकिन नॉन सेलेक्टिव, उसको जिसको लगता है कि मुझे इस ग्रुप को बताना चाहिए, वो उससे कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, एंड इन प्रोबेबिलिटी, जो तो आपका थर्ड नेटवर्क है, द इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स रैंडमली विद अदर इंडिविजुअल्स। मतलब आप देखोगे, एक पर्सन है जिसमें एक सर्कल के अंदर क्रॉस बना है, आप देखोगे थर्ड वाले में प्रोबेबिलिटी नेटवर्क में, वो एक टाइम में तीन लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, और जो ऊपर आप देखोगे, जो ऊपर गया हुआ है, वो एक ही पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन जो दूसरा वाला है, जो उसके नीचे है, वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, और जो एकदम नीचे है वो भी किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। मतलब ये डिपेंड करता है उनके मूड पे कि वो आगे उसको इन्फॉर्मेशन्स को फैलाना चाहते हैं या नहीं चाहते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लस्टर नेटवर्क, जो कि लास्ट है। तो यहाँ पे बताया गया है कि द इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स विद ओनली दोज पीपल होम ही ट्रस्ट। ठीक है, वो सिर्फ उसी को कम्युनिकेट कर रहा है या इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा है, जिससे कि जिसको वो ट्रस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इतने सारे सर्कल्स की बजाय वो सिर्फ तीन लोगों तक अपनी बात पहुँचा रहा है, जिसको वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है इन क्लस्टर नेटवर्क। ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बैरियर्स मतलब होता है कि किस तरीके से हिंड्रेंस। ठीक है, मतलब कौन कौन सी रुकावटें आती हैं कम्युनिकेशन में, जो कि आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, बट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एंड रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन टॉपिक, यू कैन आस्क मी। थैंक यू एवरीवन।